हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 26। तो बेटे, ये 13वें यूनिट का 26वां वीडियो है, और इससे पहले 25 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें सीखना है टोलुइन, जो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो जल्दी से नोटबुक में आप अपने हेडिंग लिख लो, टोलुइन। इंग्लिश में भी लिख लो और हिंदी में भी, दोनों में लिख लो। वीडियो को पॉज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे हमने हेडिंग लिखा है टोलुइन। टोलुइन, टोलुइन में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोलुइन का अणु सूत्र क्या होता है। मतलब टोलुइन को यदि सूत्र के रूप में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे ऐसे, बेंजीन रिंग को तो लिखते हैं C6H5 की तरह, और बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा होता है CH3। ऐसे लिखना है टोलुइन को। और यदि आपको संरचना बनानी है तो एक तो बेंजीन रिंग बना दो, बेंजीन रिंग ऐसे, ठीक है, और बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ दो CH3। ये होता है टोलुइन। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टोलुइन में सबसे पहले बात करेंगे हम निर्माण निर्माण की विधियों की। तो हम हेडिंग लिखते हैं निर्माण की विधियां, कि टोलुइन का निर्माण आप कैसे कर सकते हो, और निर्माण की विधियों को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। निर्माण की विधियों में जो सबसे पहली विधि हमें पढ़नी है वो पढ़नी है प्रयोगशाला विधि, कि लैब में हम कैसे बनाते हैं टोलुइन को। तो हेडिंग लिखते हैं प्रयोगशाला विधि या लैब मेथड या लेबोरेटरी मेथड। आप टोलुइन को लैब में कैसे बनाओगे? ठीक है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लैब में बनाने में। आपको क्या करना है, सोडियम टोलुएट लेना है। सोडियम टोलुएट ऐसा होता है, देखो, सोडियम टोलुएट, देखो यहां बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने CH3 लिखा, और यहां ऑर्थो पोजीशन पे मैं जोड़ूंगा COON। ये होता है सोडियम टोलुएट। लिखते हैं सोडियम टोलुएट। तो आपको लेना है सोडियम टोलुएट, और सोडियम टोलुएट को गर्म करना है सोडा लाइम के साथ। सोडा, NaOH, कास्टिक सोडा को ही तो कहते हैं हम सोडा। ये सोडा है, और लाइम चुनने को कहते हैं, बिना बुझे चुनने को। तो ये तो सोडा है, ये लाइम है। तो जब सोडियम टोलुएट को सोडा लाइम के साथ आप गर्म करते हो तो इतनी चीज निकलती है बाहर यहां से। ऐसा रिएक्शन मैंने पहले भी आपको कई बार सिखा रखा है। देखो क्या निकला, ये Na2CO3। देखो तीन ऑक्सीजन है, एक दो तीन। तो यहां तीर के नीचे आप दिखा सकते हो -Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट निकलता है, इसमें कार्बोनेट निकलता है, इसलिए इस रिएक्शन को आप डी कार्बोक्सीलेशन भी कह सकते हो, या वी कार्बोक्सिलीकरण, क्योंकि कार्बोनेट निकलता है इस रिएक्शन में। तो यहां क्या आ जाएगा, एच, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर हमें मिला CH3, और यहां आप दिखाना चाहते हो तो एच दिखा सकते हो, वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं, एच तो हर जगह होता ही है। तो ये हमारा बन गया टोलुइन। क्या बना? टोलुइन, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। तो प्रयोगशाला में टोलुइन बनाने का ये तरीका है। ठीक है, वैसे प्रयोगशाला के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे नंबर दो पे हम सीखेंगे ऑर्थो क्रिसोल से। ऑर्थो क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल से, तो आप ऑर्थो क्रिसोल से भी बना सकते हो टोलुइन को। ऑर्थो क्रिसोल क्या होता है, ये हमारा बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर एक तो जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप,
और एक जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, इसे कहते हैं ऑर्थो क्रिसोल। तो यदि आप इस ऑर्थो क्रिसोल को जिंक पाउडर के साथ गर्म कर दोगे, जिंक चूर्ण के साथ गर्म कर दोगे, तो जिंक यहां से इस ऑक्सीजन को उठा के जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा बाहर एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा CH3, और यहां से O निकल के गया है, तो आप दिखाना चाहते हो तो H यहां दिखा सकते हो, वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे पास ऑर्थो क्रिसोल से बनाना था। ऑर्थो क्रिसोल को जिंक पाउडर के साथ आपने गर्म किया, जिंक ऑक्साइड निकला, यहां से जिंक और यहां से ऑक्सीजन, और मेन प्रोडक्ट आपका आ गया टॉलुइन। क्या बना है? टॉलुइन पता ही आपको, क्या बना है? टॉलुइन। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली विधियां बताता हूं आपको। लिख लिया बेटे? ठीक है, नंबर 3 पर हमें पढ़ना है तीसरी विधि, ऑर्थो टोलुइन। सल्फोनिक एसिड से, अब ये ऑर्थो टोलुइन सल्फोनिक एसिड क्या होता है देखो, अभी पता चल जाएगा आपको। ऑर्थो टोलुइन सल्फोनिक एसिड ऐसा होता है कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, और सल्फोनिक एसिड है, तो मैं यहां जोड़ देता हूं SO3H, ये सल्फोनिक एसिड है। ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ते हैं CH3, आप चाहो तो CH3 को यहां लिख दो, SO3H को यहां, एक ही बात है। तो आपको इसे गर्म करना पड़ेगा भाप के साथ, यहां लिखते हैं HOH, और ये भाप है, भाप के साथ आप इसे गर्म करो बस। जब भाप के साथ गर्म करोगे, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहां से, और एच तो जुड़ेगा यहां और ओ एच जुड़ेगा यहां, ठीक है? देखो H2 2H S, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 और 1 4, तो यहां H2SO4 निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट, H2SO4 निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या आएगा? बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहां तो क्या आ गया? H, और यहां CH3 है, ठीक है? या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं भी, मतलब ये सारे जो है ना कोने, सारे एक जैसे होते हैं, ये समषट्भुज होता है। कभी सोचो यहां बना दिया सर आपने, यहां बनाना चाहिए था, एक ही बात है। आप चाहे H को यहां दिखा दो या एच को ना भी दिखाओ, जब भी वही बात है। तो क्या बन गया हमारे पास? टोलुइन। तो ऑर्थो टोलुइन सल्फोनिक एसिड को भाप के साथ गर्म करना है, ये बॉन्ड टूटेगा और आपका साइड प्रोडक्ट निकलेगा H2SO4, और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास टोलुइन, ठीक है? अब आते हैं नंबर 4 पर, चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलीकरण कह सकते हो आप, हिंदी में कहना है तो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलीकरण सिखाया था ना रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलीकरण सिखा रखा है आपको, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलीकरण भी सिखा रखा है, ये सारे रिएक्शन सिखा रखे हैं आपको। और जब तक आप क्लास 12th में आओगे, जब तक तो पता नहीं कितने रिएक्शन आपको तो याद हो जाएंगे सारे रिएक्शन, यदि प्रैक्टिस ईमानदारी से करोगे। देखो क्या करेंगे हम, ये हमारे पास बेंजीन है, ये है बेंजीन, यहां लिखेंगे हम H, ये बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर हमें रिएक्शन करनी है CH3Cl की। बताओ क्या है? मिथाइल, CH3 क्या होता है? मिथाइल, और Cl होता है क्लोराइड। जरूरी नहीं कि आप CH3Cl की कराओ, CH3Br की भी करा सकते हो, और किसकी उपस्थिति में करानी है? AlCl3 की उपस्थिति में। तो जब आप AlCl3 के साथ इसे गर्म करोगे, तो यहां से तो निकलेगा H, और यहां से निकलेगा Cl, ये निकल जाएगा HCl एज ए साइड प्रोडक्ट, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा बताओ? बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा यहाँ CH3, ये बन गया आपका टोलुइन। क्या बना? टोलुइन। तो
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण में आपको बेंजीन लेना है। क्या लेना है? बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर आर एक्स का रिएक्शन कराना है, सी एस थ्री एक्स का। तो होगा क्या कि सी एस थ्री पॉजिटिव अटैक करके यहां से एच पॉजिटिव को हटा देगा और वो एच पॉजिटिव बेघर हो गया, यहाँ सी एल बेघर है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एच सी एल निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट और सी एस थ्री आ जाएगा यहाँ, यह बन जाएगा टोलुइन। तो एक तरीका यह है टोलुइन बनाने का, ठीक है? जल्दी से पोज करके लिखो, अगले तरीके बताता हूं फिर। लिख लिया बेटे? ठीक है। नंबर पांच, पांचवा तरीका देखो, पांचवा तरीका क्या है? वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग रिएक्शन द्वारा। अब ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? शायद मैंने पहले आपको इसके बारे में बताया हो कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। भाई वुड्स रिएक्शन क्या होती है, देखो मैं बताता हूं। वुड्स रिएक्शन पता होनी चाहिए, आर एक्स प्लस टू एन ए प्लस आर एक्स ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो इतनी चीज निकलेगी बाहर, टू एन ए एक्स, ठीक है? तो ये तो होगी वुड्स रिएक्शन। और फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? आर के जगह हमें एराइल ग्रुप लेना होता है, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर एक हेलोजन जुड़ा हुआ है और दो एनए हैं और हेलोजन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे, तो यहां भी टू एनए एक्स निकलेगा। ये होती है फिटिंग रिएक्शन। तो ये तो बताई मैंने वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, और ये बताई फिटिंग रिएक्शन। ध्यान से समझ लो दोनों में अंतर क्या है। इसमें तो एल्काइल ग्रुप है, इसमें एराइल ग्रुप है, जैसे सी एस थ्री सी एल होगा, यहाँ यहाँ बेंजीन रिंग के ऊपर सी एल होगा। तो यदि दोनों तरफ आर एक्स है और बीच में दो सोडियम है तो इसे तो वुड्स रिएक्शन कहते हैं, और यदि दोनों तरफ क्या है बेंजीन के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है जैसे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन और बीच में दो सोडियम है तो भी रिएक्शन तो ऐसा ही होगा, पर इसे कहते हैं फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग ने बताया था। पर यदि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास एक तो हो बेंजीन के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ और दो सोडियम बीच में है और एक है हेलोजन जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप के ऊपर, तो भी रिएक्शन तो ऐसे ही होगा। देखो ऐसे ही होगा रिएक्शन, पर इस रिएक्शन को आप वुड्स रिएक्शन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दोनों तरफ आर एक्स नहीं है, एक तरफ आर एक्स है। और फिटिंग रिएक्शन इसलिए नहीं कह सकते, दोनों तरफ हेलोबेंजीन नहीं है, एक तरफ हेलोबेंजीन है सिर्फ, ठीक है? पर इसमें एक हिस्सा तो वुड्स रिएक्शन का है आर एक्स, देखो आर एक्स आर एक्स, और एक हिस्सा है फिटिंग रिएक्शन का बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन, तो इसलिए इसे कहते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन इसलिए कहते हैं इसे। तो यदि हमने यहां लिखा है वुड्स फिटिंग रिएक्शन द्वारा, तो आपको कैसे करनी है रिएक्शन, देखो मैं बताता हूं। आपको रिएक्शन ऐसे करनी है कि आप बेंजीन रिंग लो, ये बेंजीन रिंग है, और इसके ऊपर एक हेलोजन ले लो, जैसे हमने ले लिया बी आर, ये ब्रोमो बेंजीन ले लिया हमने, ब्रोमो बेंजीन लो, सोडियम लो और मिथाइल ब्रोमाइड लो, सी एस थ्री बी आर, और इनका रिएक्शन करा दो आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप रिएक्शन करा दो। एक काम करो, पहले आप इसे लिख लो, पहले इसे लिख लो एक बार पॉज करके। लिख लिया बेटे? कहीं भी लिख लेना, साइड में लिख लिया, ठीक है? चलो अब बात करते हैं इस रिएक्शन की। ये जो मैंने तीनों रिएक्शन आपको बताई ना, इनमें अंतर आपको पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन किसे कहते हैं। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा? यहां से बी आर, यहां से बी आर और बीच में से दोनों एन ए, ये निकल जाएगा माइनस टू एन ए बी आर, सोडियम ब्रोमाइड मेन प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ेगा बताओ? बेंजीन रिंग के ऊपर यह जुड़ेगा सी एस थ्री, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, या फिर
यदि इस तरह हजम नहीं हो रहा तो ऐसे लिखो, एक ही तो बात है। मैंने आपको बताया ये बेंजीन रिंग सम षटभुज होता है, ये बन गया टोलुइन आपका। ब्रोमो बेंजीन से क्या बना दिया? टोलुइन। ये क्या था? ये था ब्रोमो बेंजीन, ये ब्रोमो बेंजीन था। और ये क्या था? ये था मिथाइल मिथाइल ब्रोमाइड, और ये बन गया आपका टोलुइन। क्या बन गया? टोलुइन। इस तरह बनता है, इसे कहते हैं गुड्स फिटिंग रिएक्शन। मैंने आपको बताया कि यदि दोनों तरफ आर एक्स है, आर एक्स माने एल्काइल हेलाइड, तो होगा वो वुड्स रिएक्शन, और दोनों तरफ हेलो बेंजीन है जैसे क्लोरो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन, वो होगा फिटिंग रिएक्शन। और यदि एक तरफ तो है हेलो बेंजीन और एक तरफ है एल्काइल हेलाइड या हेलो एल्केन, तो वो होगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन है, एक तरफ तो हेलो बेंजीन है और एक तरफ है मिथाइल हेलाइड, तो ये वुड्स फिटिंग रिएक्शन ही से कहते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और सीख लो आप। नंबर 6, ग्रिगनार्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट से या ग्रिगनार्ड रिएजेंट द्वारा। ग्रिगनार्ड सिखा रखा है ना मैंने आपको, चलो यहां बता देता हूं एक बार। ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऐसा होता है बेटे, आर एम जी एक्स एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप ले लो, कोई सा भी हेलोजन, या फिर एराइल मैग्नीशियम हेलाइड। एराइल का मतलब बेंजीन रिंग, एराइल का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग। एक बेंजीन रिंग ले लो, उससे मैग्नीशियम जोड़ दो और एक हेलोजन जोड़ दो, तो ये दोनों ग्रिगनार्ड रिएजेंट होते हैं। जैसे मैं यहां एग्जांपल लेता हूं कि ये तो बेंजीन रिंग है, ए आर एराइल ग्रुप की जगह लिया मैंने बेंजीन रिंग, और यहां लिया मैग्नीशियम, और यहां लिया बी आर, ये है ग्रिगनार्ड। इसका रिएक्शन जो है ना, आप इसके साथ करा दो सी एस थ्री बी आर के साथ, ठीक है, और ईथर की प्रेजेंस में करा दो। ईथर होगा क्या? यहां से इतनी चीज निकलेगी, देखो क्या निकला है, एम जी बी आर टू। साइड प्रोडक्ट को तीर के नीचे लिख सकते हो आप, मैग्नीशियम ब्रोमाइड निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और यहां बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा आपका बताओ? सीधा ही बना दू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा? सी एस थ्री, ये आ गया टोलुइन। तो ऐसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट से आप बना सकते हो टोलुइन। यह है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसे आप कह सकते हो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये तो पता ही है मिथाइल ब्रोमाइड है, या ब्रोमोमीथेन कह दो, क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और ये बन गया आपका टोलुइन। तो ये टोलुइन बनाने के 6 तरीके सीखने हैं आपको, यही हमारे कोर्स में है 6 तरीके। हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, अब लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको टोलुइन बनाने के 6 के 6 तरीके समझ में आए होंगे। कल मैं इससे आगे इसका पार्ट कराऊंगा, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, ये कराऊंगा कल, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।